है, इसी हाल में मजबूर हमलाओं की इज्जत रुकता है। आप सारे साला कानून का पुजारी होकर अरे साले कुत्ते की औलाद धागा बोला तेरा जोड़ीदार की दरगाह में बोला सारे लटनवा दे तेरे लटनवा सारे कहाँ गए वहाँ क्या कर रहा साले तेरी माँ का सर परेशान किया सेटिंग हो गया पूछा बेटे के ला चाहता और मारा सारा किया क्यों सारा बच गया ये राज में करे सारी एक मारा बल वे जाओ ना बहुत सारी वाला खा था ये हो गया उसका जी वाला क्या है अपना मारा सगा पुरावा गाय मारा अच्छा पुरावा गाय मारा बा ये मारा नहीं बच्चा बेटे तुझे राजा हिंदुस्तानी क्या मगता है वो भैया
राजकुमार बन गया है। देखो हमको छोड़ दोगे तो हम तुमको जाने अपने घर बुला के तेरी औकात नापेंगे। अरे साले कुत्ते की औलाद धंधा बहुत साले। इस वर्दी को पहनने का तूने हक खो दिया होता। उतार साले उतार, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूँगा। उतार उतार साले। गाली दी है ना? नहीं मैं आपको नहीं दिया। आपको गाली दी है ना? उतार तो गाली गाली। अंदर को निकालना भूल गया हूँ साले। अरे आप तो मेरे चाचा हैं। याद आ रहा है काली हमारा ननिहाल का। अच्छा काली ननिहाल है इसका। आराम जाते यही सब कारनामा करके दिखा रहा है काली वालों। हराम खोर, तूने इस वादी को दागदार बना दिया है। ये वादी पहनने का तुझे कोई हक नहीं है। अरे हराम जाते तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। तेरी वजह से हमारी भाभी माँ की इज्जत लूट ली गई। तेरी वजह से हमारे मासूम भतीजे को जान से मार दिया गया। अरे बत्तू जैसे दलित पत्थर होते हैं, जो मंत्री मक्खन लाल जैसे मंत्री विधायक संसद हवा साले दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारते हैं। अगर तुम लोग अपनी वर्दी की कीमत समझ जाओ, अगर तू कानून की कीमत समझता तो आज मंत्री मक्खन लाल सलाखों के पीछे होता है। राम जानो। अरे वो जितना बड़ा गुनहगार वो नहीं है, उससे बड़ा गुनहगार तो तू है। साले मेरी भाभी माँ अपने मरे हुए बच्चे की लाश लेकर तेरे पास आई थी ये सोचकर कि चल रही हूँ हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन तेरा जमीन इतना मर गया हराम जाने कि इंसाफ दिलाने के बजाय हमारी भाभी माँ को धक्के मार कर भगा दिया। अरे साले तू इंसान है, इंसान के भेष में शैतान है, तुझे दर्द कहां से होगा? तू तो अनाथ है, गंदी नाली का कीड़ा है हराम जादे। अगर तेरे पास कोई बहन कोई माँ या कोई भाभी होती, तेरा कोई परिवार होता, तब तुझे परिवार का मायने समझ में आता, तब तू समझता कि बहन बेटी होती क्या है। अगर तेरी भाभी की इज्जत लूटी जाती, तेरे मासूम भतीजे को जान से मार दिया जाता, हराम खोर तक तुझे समझ में आता कि इस दिन पे क्या गुजरती है। तेरी वजह से अब तक मंत्री मक्खन लाल इस दुनिया में जिंदा है। अरे तुझे जिस माँ ने जन्म दिया होगा वो अगर कहीं से ये सब देख रही होगी तो अपने कोप को कोस रही होगी कि मैंने किस शैतान को जन्म दे दिया। पता नहीं तू जायज औलाद है कि नाजायज औलाद है। सारा मंत्री का भवन ना तेरे जात ना तेरे कुटुंब कबीले बिरादरी का कुछ पता नहीं है कि तू इस गंदी नाली का कीड़ा है। अरे हराम खोर, मैं तुझे उसी दिन कुत्ते की मौत मार दिया होता जब
तो मेरी भाभी माँ के बारे में गाली दिया था। मेरा मन यही कर रहा था कि तेरे मुंह के अंदर हाथ डाल के तेरी जवान खींच लूं, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, तेरा कुछ नहीं कर सका। साले आंसू बहाता है हरा घोर, मार डालो राजेश, जान से मुझे मार दो, मुझे से इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भारत सरकार ने मुझे वर्दी दिया था, लेकिन मैं उस वर्दी की कीमत ना समझ सका, गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ा समझता था। मैं नहीं जानता था कि उनके दिल में भी प्यार होता है, ममता होती है, उनका कष्ट मैं समझ नहीं सका। और मैं क्या जानूं बहन बेटी क्या होती है। अरे मैं तो तेरा अनाथ, अगर इस दुनिया में मेरी भी कोई बहन मेरी माँ होती तो मैं बहन बेटियों की कदर जानता, लेकिन इस दुनिया में तो मेरा कोई नहीं है। आज अगर इस दुनिया में मेरा कोई परिवार होता तो मुझे इस रास्ते पर चलने से जरूर रोकते। मैं ठहरा अनाथ, आज मेरा जमीर जगा है, मेरे अंदर की इंसानियत जगी है कि वास्तव में इंसान की कीमत क्या होती है, बहन बेटियों की कीमत क्या होती है। और पैसे की लालच में मैंने अपना जमीर, मैंने अपना ईमान सब कुछ बेच डाला, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। उस मंत्री मक्खन लाल के कहने पर मैं हमेशा गलत काम करता चला गया, ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों का सिंदूर।